बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत पर दुखों का सितम खत्म नहीं हो रहा है। एक के बाद एक राखी की जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आ रहे हैं जब वह विलख विलख कर रोने के लिए मजबूर हो रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राखी सावंत ने अपने बॉयफ्रेंड अदिल दुर्रानी के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के ऐलान के बाद राखी सावंत ने यह भी बताया था कि अदिल दुर्रानी शादी की बात से इनकार कर रहे हैं। काफी समय तक विवादों में रहने के बाद आखिरकार आदिल ने मान लिया था कि राखी सावंत उनकी पत्नी हैं। पति को पाने के बाद राखी की जिंदगी जैसे ही पटरी पर उतरने वाली थी कि राखी की मां जया सावंत का निधन हो गया। जया सावंत काफी समय से अस्पताल में भर्ती थीं। उनके ब्रेन ट्यूमर का इलाज चल रहा था। अपनी माँ के निधन के बाद से ही वह काफी टूटी हुई थी। सोशल मीडिया पर राखी सावंत की काफी वीडियोस भी सामने आई थीं, जिसमें वह काफी विलख विलख कर रो रही थीं। इसी बीच राखी सावंत मुंबई में जिम के बाहर नजर आईं। जिम के बाहर राखी सावंत मीडिया को देखते ही फूट फूट कर रोने लगीं और कहा कि उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। राखी सावंत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी शादी खतरे में है। अब एक बार फिर राखी की शादीशुदा जिंदगी उन्हें दुख दे रही है। राखी सावंत रोते हुए मीडिया से कहती हैं कि किसी को उनकी शादीशुदा जिंदगी में आकर क्या मिल जाता है, कि उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। इस वीडियो में राखी सावंत जिस तरह से रोती और विलखती हुई नजर आ रही हैं, उसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि आदिल दुर्रानी और राखी के बीच कोई तीसरा आ गया है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनका बिग बॉस मराठी की एक कंटेस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि राखी के इन आरोपों को आदिल दुर्रानी ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर राखी सावंत की शादीशुदा जिंदगी को खतरे में बताना या सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सच में आदिल का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं। राखी के इन आरोपों के पीछे की सच्चाई क्या है, या तो खुद राखी सावंत ही बता सकती हैं।